एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेडिकेम क्लासेस में। तो अभी तक हमने जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुकेशन पढ़ लिया था तथा उनके कुछ एग्जांपल भी पढ़े थे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है SIR। SIR मींस स्ट्रिक्ट इनहिबिशन इन रेजोनेंस। क्या कहता है ये सेंटेंस हमसे कि किसी वजह से रेजोनेंस में कुछ रुकावट हो रही है। अब देखिए किस प्रकार के कंपाउंड में ये हो सकता है। तो आपके सामने एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर कुछ ग्रुप लगा हुआ है, एक जी प्राइम, ये ग्रुप लगा हुआ है जी प्राइम, ठीक है। और इधर कोई ग्रुप लगे हुए हैं दो, जी और जी, कुछ भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अब होगा क्या, चूंकि ये ग्रुप क्या है, दोनों बड़े बड़े ग्रुप हैं, किसी वजह से ये दोनों ग्रुप बड़े बड़े हैं। और अगर ये ग्रुप भी बड़ा होगा तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होने की वजह से जो आपका ये ग्रुप है, ये जो जी वाला ग्रुप है, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। मतलब कैसे कि सपोज करो ऐसे लगे हुए हैं, अभी एक ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ, और ये जो है हमारा जी प्राइम है। अब क्या होगा, ये आउट ऑफ प्लेन, या तो ऐसे चला जाएगा अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, मतलब जिस प्लेन में है, रिपल्सन से बचने के लिए कहां चला जाएगा, तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ। तो ये जो है, ये वाला ग्रुप जो आपके सामने मैंने लिखा है जी प्राइम, ये क्या कहां चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। और आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह, सपोज करो यहां कोई नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, तो वे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कौन करता है, जो एक प्लेन में हो। अगर लोन पेयर हमारा प्लेन में रहता है इसके साथ, तो तभी तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता था एटम। अगर जी एटम हमारा इस कार्बन के साथ जो है वो प्लेन में है, तभी तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी क्या हो रहा है, इन ग्रुप को लगने की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला गया। अब देखिए जी प्राइम आपका कौन कौन हो सकता है। अगर मैं जी प्राइम की बात करूं तो जी प्राइम आपका हो सकता है COOH ग्रुप, ठीक है, कोई भी लार्ज ग्रुप, SO3H ग्रुप, NME2 ग्रुप, NO2 ग्रुप, और जो है NME3, कोई भी मतलब लार्ज ग्रुप आपका ये हो सकता है। ब्रोमीन, आयोडीन भी यहां आप लिख सकते हो, ब्रोमीन और जो है क्या, आयोडीन। तो ये ग्रुप आपके लार्ज ग्रुप हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से अगर ये लगे हुए हैं जी प्राइम तो बाहर जाएंगे। पर अब बात आई कि जी क्या होना चाहिए हमारा, तो देखो जी आपका क्या होना चाहिए, ऑल जी प्राइम। जी की जगह क्या हो सकता है, जो जी प्राइम ग्रुप मैंने आपके सामने लिखे ये हो सकते हैं, या आपके क्या हो सकते हैं, एंड एल्किल ग्रुप, एनी एल्किल ग्रुप, कोई भी आपका एल्किल। एल्किल का क्या मतलब, कि कोई भी CH3, C2H5, कोई सा भी, कोई भी हमारा एल्किल ग्रुप, ठीक है। मतलब एल्केन और एल वाई बाद में लगाया, ग्रुप के कारण एल वाई यूज करते हैं। किसी दिन नोमेनक्लेचर में सब आपको पढ़ाऊंगा, अगर पढ़ाना हुआ तो। अगर किसी वजह से OH, F, NH2, ये कोई भी हमारा स्मॉल ग्रुप है, ये जो है कोई भी हाइड्रोजन, तो चलो बहुत ही स्मॉल है तो हाइड्रोजन लिखने की जरूरत ना है। अगर ये ग्रुप हमारे लगे हुए हैं कहां, जी प्राइम की जगह, तो आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएंगे। क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएंगे। अगर ये ग्रुप आपके लगे हुए हैं OHF NH2, तो ये जो है हमारे आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएंगे। कोई और छोटे ग्रुप भी हो सकते हैं, जैसा आपका जो है CLV हो सकता है, CLV आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगा। अब मेरा कहने का मतलब समझिए, इतनी बात समझे, अब ध्यान से समझिएगा इसे। सपोज करो आपके पास कोई एक जो है मॉलिक्यूल है, इस तरह से एक कोई हमारा मॉलिक्यूल है, ये है हमारा NME2, ठीक है। और इसमें मैं बेसिसिटी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, बेसिसिटी। और बेसिसिटी में क्या होता है, जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के, क्या होते हैं, डोनेट होते हैं, किसी को भी कितने इजीली डोनेट कर सके। पर आप इस तरह के कंपाउंड में क्या देख रहे होंगे, ये जो लोन पेयर है, ये हमारे रिंग के साथ कहां जा रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं। ये लोन पेयर रिंग के साथ कहां जा रहे हैं, कुछ इस तरह से जो है वो रेजोनेंस में जा रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं। इसका मतलब जो है लोन पेयर पूरी तरह से नाइट्रोजन पर प्रेजेंट नहीं है, लोन पेयर पूरी तरह से नाइट्रोजन पर प्रेजेंट नहीं है। अब होना क्या था बेसिसिटी के लिए, कितनी जल्दी NME2 हमारा लोन पेयर डोनेट कर दे। पर लोन पेयर तो इसके पास है ही नहीं, क्यों, क्योंकि जा रहे हैं कहां, रेजोनेंस में। पर अगर किसी वजह से मैं कुछ ऐसा काम करूं, कि ये जो लोन पेयर इसके रेजोनेंस में जा रहे हैं जाने बंद हो जाए, ये जो लोन पेयर इसके रेजोनेंस में जा रहे हैं ये जाने बंद हो जाएं, और लोन पेयर अगर रेजोनेंस में जाने बंद हो जाएंगे
तो क्या होगा आपका, क्या होगा बताओ, बेसिसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बेसिसिटी बढ़ जाएगी, सीधी बात है। क्यों? क्योंकि अब नाइट्रोजन पे जो आपके लोन पे रहे ये फ्री फॉर्म में होंगे। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ जो है दो ग्रुप लगा दिए, कोई भी एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप लगाने पे क्या हुआ, ये NME2 हमारा कहाँ चला गया, आउट ऑफ प्लेन चला गया। और आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से क्या हुआ कि नाइट्रोजन के लोन पे रहा फ्री है डोनेट होने के लिए, अब वो किसी के साथ रेजोनेंस में नहीं जा रहे हैं। तो हमारा SIR का ही मतलब था स्ट्रिक्ट इनहिबिशन इन रेजोनेंस, मतलब स्ट्रिक्ट क्राउडिंग की वजह से रुकावट होगी रेजोनेंस में, ठीक है। तो देखिए अब ये रेजोनेंस में नहीं जा रहे, तो इसका मतलब नाइट्रोजन पर पूरी तरह से फ्री है, तो इजीली डोनेट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब इसके कुछ इससे रिलेटेड बातें करते हैं। अब देखिए आपको बताना है विच इज, अच्छा इससे भी पहले एक चीज आपको बतानी है, मैंने लिख रखी है ये देखिए, आपको इसमें बताना है SIR इज नॉट प्रेजेंट इन, कि किस किस में इनमें जो है SIR प्रेजेंट नहीं है। आपके सामने चार मॉलिक्यूल लिखे हैं, बताना किस किस में जो है वो SIR नहीं लग रहा है। बताइए फर्स्ट वाले में SIR लग रहा है। सबसे पहले जी प्राइम चेक करते हैं, जी प्राइम हमारा ठीक है, आउट ऑफ प्लेन जाता है ग्रुप, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब चेक करते हैं जी, जी में क्या हमारा NH2 था, नहीं जी में NH2 नहीं था, क्योंकि NH2 स्मॉल ग्रुप है, तो इसका मतलब इसमें SIR होगा नहीं, इस वाले में SIR नहीं होगा। अब इसमें देखिए NME2 जी प्राइम पे फिट होता, बिल्कुल फिट होता है। और जो है NO2 क्या जी में फिट होता, हाँ फिट होता है। जी में मैंने क्या लिखवाया था, ऑल जी प्राइम ग्रुप और एनी एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो इसके वजह से इसका मतलब जी प्राइम भी ठीक है, जी भी ठीक है, तो इसका मतलब ये आउट ऑफ प्लेन जाएगा, जी हाँ बिल्कुल जाएगा, इसमें SIR हो रहा है। इस वाले में देखो, इसमें तो हो ही रहा है, मैंने अभी आपको समझाया है। इसमें देखो सबसे पहले क्या चेक करना है, जी प्राइम चेक करना है, ये जी प्राइम चेक करो, क्या NH2 जो है बाहर जाता है आपका आउट ऑफ प्लेन जाता है, नहीं जाता। जी प्राइम में मैंने कहीं भी NH2 नहीं लिखवाया, इसका मतलब इसमें SIR होगा, नहीं होगा। और वैसे भी NH2 तो स्मॉल ग्रुप है, और मैंने आपको लिखवाया भी है NH2 फ्लोरीन क्लोरीन OH, ये ऐसे ग्रुप हैं जो आउट ऑफ प्लेन नहीं जाते, क्योंकि इनका साइज बहुत कम है। बात समझ में आ रही है जो बता रहा हूं मैं या नहीं? इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, विच इज मोर बेसिक, आपको बताना है इन दोनों में कौन मोर बेसिक है, ठीक है। तो इस वाले में देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि इसके नाइट्रोजन, ये जो है हमारा ग्रुप कहाँ चला गया, आउट ऑफ प्लेन चला गया, नाइट्रोजन पर पूरी तरह से लोन पेयर फ्री है। इस वाले में क्या, कैसा ग्रुप, इस वाले में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन के लोन पेयर कहाँ जा रहे हैं, हमारे रिंग में जा रहे हैं, नाइट्रोजन पर पूरी तरह से लोन पेयर फ्री नहीं है। भले ही NO2 लग रहा है, NO2 क्या काम करता है कि माइनस आई इसकी बेसिडिटी डिक्रीज करेगा, माइनस आर, ठीक है। पर अब यहाँ माइनस आर वर्क ही नहीं करेगा, यहाँ तो माइनस आर वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि कहाँ चला गया, आउट ऑफ प्लेन चला गया है, नाइट्रोजन के लोन पेयर पूरी तरह फ्री है। यहाँ जो है कौन ज्यादा बेसिक हो जाएगा बताओ, सीधी सी बात है ये वाला ज्यादा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर पूरी तरह से फ्री है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ध्यान से करना इसे, ये क्या कहता है क्वेश्चन कि इन दोनों में कौन बेसिक है, आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, इसमें क्या देख रहे हो, ये NH2 जो है आउट ऑफ प्लेन जा सकता है, नहीं NH2 आउट ऑफ प्लेन नहीं जा सकता। इसका मतलब इसके लोन पेयर कहाँ जा रहे हैं, इसके साथ रेजोनेंस में जा रहे हैं। किस तरह से जा रहे होंगे देखना जरा, किस तरह से जा रहे होंगे। तो यहाँ मैंने लिख दू पूरा खोल के, N डबल बोंड ये लिख दिया O माइनस, यहाँ लिखा N डबल बोंड O माइनस, और यहाँ लिखा मैंने NH2, और ये कुछ इस तरह से हमारे बॉन्ड यहाँ लिखे हुए हैं, N डबल बोंड O माइनस, ठीक है, कुछ इस तरह से। बात समझ में आ रही, इन सब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि चार बॉन्ड बना रखे हैं। अब देखिए इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वे इधर जाएंगे, और ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो ना, ये बॉन्ड ये कहाँ जा सकता है, इसके साथ कंजुकेशन में जा सकता है। मतलब नाइट्रोजन के लोन पेयर विश्राम करने जा रहे हैं इस नाइट्रोजन के साथ भी, इधर इधर माइनस चार्ज आ रहा है। तो इसका मतलब इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आर। और माइनस आर क्या काम करेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है माइनस आर, तो माइनस आर क्या काम करेगा, इसकी जो है लोन पेयर की इसके अंदर जाने की वजह से इसके क्या काम,
कर देगा, बेसिसिटी घटा देगा, या दूसरे शब्दों में कहूं लोन पेड जो है पूरी तरह से फ्री नहीं है। बेंजीनिंग में तो जा रहा ही रेजोनेंस में, साथ ही साथ इस NO2 के साथ माइनस आर, इस NO2 का माइनस आर, इस NO2 का माइनस आर, और माइनस आर बेसिसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसके लोन पेयर कहां जा रहे हैं, इधर विश्राम करने जा रहे हैं। इस वाले केस में देखिए दूसरे वाले में क्या हो रहा है, इसका कौन सा इफेक्ट माइनस आई, इसका कौन सा इफेक्ट माइनस आई, माइनस आई ये मेटअप है, और इसका कौन सा इफेक्ट, तो आपके दिमाग में आएगा माइनस आर, नहीं माइनस आई, माइनस आई क्यों, क्योंकि ये देखो ये जी प्राइम एनओ टू बाहर जाता है, जाता है, जी क्या है एनओ टू, इसका मतलब ये कहां चला गया आपका, ये कहां चला गया आउट ऑफ प्लेन, और आउट ऑफ प्लेन में जाने की वजह से ये रेजोनेंस नहीं करेगा, इसका मतलब माइनस आर भी शो नहीं करेगा, आर का मतलब रेजोनेंस ही होता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि नाइट्रोजन के लोन पेयर जो बेंजीन रिंग में जा रहे हैं कंजुकेशन में, वो कहीं भी माइनस आर उस पर नहीं लग रहा है। कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, माइनस आई माइनस आर, सीधी सी बात है माइनस आर स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो माइनस आर क्या काम करेगा, बेसिसिटी डिक्रीज कर देगा, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा इन दोनों में, ये वाला ज्यादा बेसिक होगा, ये वाला ज्यादा बेसिक होगा, इससे समझ में बात आ रही है, कैसे क्वेश्चन करा है, ये समझ में आ रही है या नहीं। अब देखिए इस वाले में आपको बताना है मोर एसिडिक, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड हमारा ज्यादा एसिडिक है, आप कैसे बता पाओगे कौन सा हमारा मोर एसिडिक है। तो ध्यान से सुनना इसमें क्या कि मोर एसिडिक कैसे बताते हो आप, हमेशा कंजुकेट बेस बना लेते हो, तो कंजुकेट बेस बना लू दोनों का, कंजुकेट बेस बना लिया मैंने, ये माइनस ठीक है, इस NO2 का इस माइनस चार्ज पे कौन सा इफेक्ट, देखो OH तो बाहर जाता नहीं है तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, इस माइनस चार्ज पे इस NO2 का कौन सा इफेक्ट, माइनस R, और माइनस R नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, स्टेबल, माइनस आर निगेटिव चार्ज को करता है स्टेबल, ठीक है, पैरा पोजिशन पे, इसलिए माइनस आर है, ध्यान रखना। और इसमें बताओ इस NO2 का कौन सा इफेक्ट है, इस माइनस चार्ज पे इस NO2 का कौन सा इफेक्ट है, तो है माइनस आई। आप कह रहे होंगे कि ये कैसा हो गया, तो ध्यान से सुनिए, यहाँ क्या लगा हुआ है, दो सी एच थ्री ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ क्या लगा हुआ है NO2, तो NO2 आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही ना करने का, तो इसका माइनस आर वर्क करेगा नहीं, आर का मतलब तो रेजोनेंस है, तब रेजोनेंस ही ना हो रही तो वर्क कहां से करेगा, तो इसका केवल कौन सा इफेक्ट वर्क करेगा, माइनस आई। किसकी वजह से हमारा जो है निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, माइनस आई माइनस आर, सीधी सी बात है माइनस आर की वैल्यू ज्यादा होती है, तो निगेटिव चार्ज इन दोनों में किस में स्टेबल होगा, इस वाले में, जिसमें निगेटिव चार्ज स्टेबल, या जिसका कंजुकेट जो है बेस हमारा स्टेबल, वो क्या होगा हमारा मोर एसिडिक। तो इन दोनों में मोर एसिडिक कौन सा है, ये वाला जो है कंपाउंड हमारा मोर एसिडिक है। बताइए आपको SIR समझ में आया, SIR क्या है आपको समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा होगा। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऑर्थो इफेक्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्थो इफेक्ट, तो आप हेडिंग डाल लीजिए ऑर्थो इफेक्ट। अब देखिए ऑर्थो इफेक्ट किस केस में होता है, तो पहले मैं आपको बता दूं ऑर्थो इफेक्ट दो जगह जो है हमारा वर्क करता है, एक हमारे बेंजोइक एसिड के केस में, ये हमारा क्या बेंजोइक एसिड, दूसरा हमारा वर्क करता है कहां कि हमारा एनिलीन के केस में, ये हमारा NH2, ये क्या है हमारा एनिलीन, या NMe2 भी हो सकता है, ठीक है, तो एनिलीन के केस में, ठीक है, और इसके सिमिलर कोई ग्रुप हो NME2 हो NHME हो, इस तरह का ग्रुप हो सकता है, तो इसे एक एक करके आप समझना। सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं बेंजोइक एसिड के केस में, ठीक है, उससे पहले लिखो एनिलीन और बेंजोइक एसिड में अगर कोई भी ग्रुप हमारा ऑर्थो, देखो लिख लिया आपने ये, फिर लिखना अगर कोई भी ग्रुप हमारा ऑर्थो पोजिशन पर लगा है, ठीक है, इफ एनी ग्रुप इज अटैच्ड ऑन ऑर्थो पोजिशन देन द एसिडिटी ऑफ both compounds will increase
ये आप पॉइंट लिखिए, विल इंक्रीज, इंक्रीज। इसमें बेसिसिटी इंक्रीज होने का क्या मतलब, सॉरी इसमें एसिडिटी इंक्रीज होने का क्या मतलब, इसकी बेसिसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर इसमें कोई ऑर्थो पे ग्रुप लगा है तो एक लाइन आपको याद करनी है, इससे आप ये समझते हो इसमें कोई ऑर्थो पे ग्रुप लगा है तो इसकी बेसिसिटी कम हो रही है, या दूसरे शब्द में कहूं एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। इसमें भी समझिए, अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा है तो इस कंपाउंड की जो एसिडिटी है वो बढ़ रही है। अब आप रीजन समझिएगा, मैं दोनों का एक एक करके रीजन बताता हूं। पहले बेंजोइक एसिड की बात कर लेते हैं, ये सब ऊपर वाला लिख लिया ना, अच्छे से नोट करते रहना और अब समझना, ठीक है। बेंजोइक एसिड का लिख देते हैं, बेंजोइक एसिड के केस में तो देखिए, बेंजोइक एसिड के केस में क्या होता है आपका, कुछ इस तरह से जो है हमारा ये लगा हुआ है ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, ठीक। इधर सपोज करो कोई भी हमारा ग्रुप लगा हुआ है, जी मैंने लगा दिया, इसके लगने से क्या हुआ, ध्यान से देखना, इसके लगने से क्या हुआ, ये ग्रुप में थोड़ा सा हुआ रिपल्सन, क्योंकि अगर जी लगा हुआ है इस ग्रुप में क्या होगा, रिपल्सन, और रिपल्सन होने की वजह से थोड़ा बहुत जो है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। क्या हुआ, रिपल्सन होने की वजह से जी से थोड़ा ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, और आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर इसका मैं एसिडिटी, आप कैसे देखते हो एसिडिटी, आप कैसे देखते हो कंजुकेट एसिड, तो इसका अगर मैं कंजुकेट एसिड बना दूं आपके सामने कुछ इस तरह से, इसका मैंने कंजुकेट एसिड बना दिया, अब ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा आउट ऑफ प्लेन, ये क्या है हमारा आउट ऑफ प्लेन, और इस बेंजीन रिंग का, इस बेंजीन रिंग का इस ग्रुप पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इस बेंजीन रिंग का इस ग्रुप पे जो है कौन सा इफेक्ट लग रहा है, तो देखिए ये बेंजीन रिंग के क्या हैं, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर, कैसा चार्ज आया है, निगेटिव, निगेटिव चार्ज का कंजुकेशन हो सकता है। चलो भाई कंजुकेशन हो रहा है, हमने मान लिया कि कंजुकेशन से थोड़ी बहुत जो है वो एसिडिटी, कंजुकेशन ज्यादा स्ट्रक्चर होने की वजह से रेजोनेटिंग कंपाउंड हमारा स्टेबल हो जाएगा निगेटिव चार्ज। पर आप ये भी तो समझो ना, इस ग्रुप का ये जो पूरा बेंजीन लगा है इसका कौन सा इफेक्ट लगा है इस ग्रुप पे, बेंजीन इनका इस ग्रुप पे लगा है प्लस आर, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस ग्रुप को डोनेट कर रहा है रेजोनेंस के थ्रू, प्लस आर लगा है, और प्लस आर निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या करता है, प्लस आर निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है, ठीक है। पर जैसे ही हमने क्या काम करा, जैसी जो है हमने यहां कोई ग्रुप लगा दिया जी, देखो जैसे ही हमने क्या काम करा, यहां कोई ग्रुप लगा दिया जी, तो अब क्या होगा, ये जो आप ग्रुप देख रहे हो C डबल O माइनस, तो ये ग्रुप जो है थोड़ा बाहर चला जाएगा, बाहर जाने की वजह से बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन जनरली इसमें जल्दी से नहीं जा पाएंगे, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन जो है, या मैं कहूं बेंजीन रिंग इस पर प्लस आर इफेक्ट अपना नहीं लगा पाएगी, ठीक है, बेंजीन रिंग इस पर अपना प्लस आर नहीं लगा पाएगी, जिसकी वजह से कंपाउंड की एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, कंपाउंड की एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हो कि पहले निगेटिव चार्ज इसमें कहां था, यहां बेंजीन यहां घूम रहा था, अब क्या है, केवल इन दोनों पे घूमेगा, तो हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वैल्यू हमारी बढ़ गई है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वैल्यू बढ़ गई है, जिस वजह से ये हमारा निगेटिव चार्ज स्टेबल है, ये हमारा कंजुगेट बेस स्टेबल है, ठीक है, आपके समझ में आया। इसके पूरा प्लस आर जो था बेंजीन रिंग का वो अब खत्म हो गया, क्योंकि जी लगने से थोड़ा आउट ऑफ प्लेन चला गया, थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी जो है निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ गई, या मैं कहूं कंजुकेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ गई, और कंजुकेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ने का क्या मतलब, हमारे जो है कंपाउंड की एसिडिटी इंक्रीज हो गई, हमारे कंपाउंड की एसिडिटी इंक्रीज हो गई। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरह से एग्जाम्पल है, यहाँ क्या है C डबल OH, और यहाँ हमारा क्या लगा हुआ है यहाँ C डबल OH, और ये लगा हुआ है हमारा OH, ठीक है, और जो है अब इधर देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है हमारा C डबल OH और लगा हुआ है OH, और हमारा ये लास्ट में कुछ इस तरह से है, यहाँ क्या लगा हुआ है C डबल OH और ये है हमारा OH, ठीक। अब यहां समझिए, अगर मैं कहूं इन चारों में, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, इन चारों में जो है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सैलिसिलिक एसिड इसका नाम है वैसे, तो इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो हम देखते हैं, इस पर कोई इफेक्ट लगा है, नो इफेक्ट, इस पर कोई इफेक्ट लगा है, नो इफेक्ट, इसमें कौन सा इफेक्ट लगा है, ऑर्थो इफेक्ट,
ऑर्थो इफेक्ट लगाया नहीं, इसमें कौन सा लगाया, इस OH का मेटा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट, माइनस आई, कौन सा इफेक्ट लगा है, माइनस आई। इसमें देखिए कौन सी पोजीशन पे है OH, पैरा पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा लगता है, प्लस आर। तो इस OH का यहां कौन सा लगा है, प्लस आर, कौन सा लगा है, प्लस आर। और इसमें प्लस आर क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसमें क्या आउट ऑफ प्लेन पहले ही चला गया, इसमें सीधा सीधा ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या काम करा, इसका कंजुकेट जो है वो बेस बना दिया, एसिड का कंजुकेट बेस बना दिया कुछ इस तरह से, निगेटिव 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 और निगेटिव। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ, इसमें ऑर्थो इफेक्ट लगा हुआ, मैंने कि जहां कहीं भी ऑर्थो इफेक्ट लगे उसे सबसे ज्यादा एसिडिक आपको लिख देना, तो दूसरा सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। इसमें कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है, माइनस आई, माइनस आई निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, और जबकि इसमें कौन सा लगा हुआ है, प्लस आर, और प्लस आर निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बहुत बड़ी मात्रा में डिक्रीज करता है। अब यहाँ निगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो निगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है तो क्या होगा, उसकी जो है एसिडिटी घट जाएगी, मतलब निगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं तो इस कंपाउंड की एसिडिटी घट जाएगी। तो इसमें क्या माइनस आई इंक्रीज करता है, तो इसे लिख दूं तीसरे पे, इसे लिखूं कहां, पहले को लिखूं इधर, फिर क्या लिखूं फोर्थ वाला, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा, किसका, एसिडिटी, एसिडिटी का ऑर्डर हो गया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन यहां हो रहा होगा कि इस OH का कैसे इस पर प्लस आर लग रहा है, OH का कैसे प्लस आर लग रहा है, तो देखिएगा OH का प्लस आर कैसे लगा, आप ये चीज भी यहीं क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए ये OH, ये और इसका लगाया मैंने ये, और ये मेरा निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसके जो लोन पेयर है ये कहां गए, यहां गए, तो ये वाला बॉन्ड कहां जाएगा, इधर, और ये वाला बॉन्ड कहां जाएगा, इधर, और ये कहां जाएगा, इधर। तो इस ग्रुप पे जो है इस OH का कैसा इफेक्ट लगा, टोटल बात, इसके इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, इस ग्रुप में जा रहे हैं, देखा जाए तो इनडायरेक्टली जा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में जो है प्लस आर लगने की वजह से निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी घट जाएगी, जिस वजह से जो है बेसिक स्ट्रेंथ में, वो मैंने सबसे लास्ट में लिखा है, क्योंकि प्लस आर जो है सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेगा निगेटिव चार्ज को। बात समझ में आई है, कर लोगे सी डब्ल्यू एच का कोई भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो लिखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यहां आपका लगा हुआ है सी डब्ल्यू एच, ये लिखा है मैंने थैलिक एसिड, ये ऑर्थोथैलिक एसिड, ये मेटाथैलिक एसिड मैंने लिखा है आपके सामने, ये सी डबल एच, और मेटा पे क्या लगा दूं, सी डबल एच, और ये मैंने आपके सामने क्या लिखा है, पैरा, पैराथैलिक एसिड, सी डबल एच और सी डबल एच। ठीक, इसमें हमें क्या देखना है, एसिडिटी देखनी है, क्या देखनी है, एसिडिटी। एसिडिटी कैसे चेक करोगे, तो सारी चीज आपको क्लियरली यहां लिखनी होगी, ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन सा इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, नो इफेक्ट। ठीक है, इसका आप जो है कंजुकेट बेस भी बना सकते हो, यानी देखो कंजुकेट बेस बना देता हूं, क्योंकि हम एसिडिटी देख रहे हैं, और एसिडिटी कैसे देखनी है आपको, कंजुकेट बेस बना के, ये निगेटिव चार्ज। अब देखिए इसमें कौन सा इफेक्ट है कंजुकेट बेस पर, कुछ इफेक्ट नहीं, इसमें कौन सा इफेक्ट है, ऑर्थो, ऑर्थो इफेक्ट, इसमें कौन सा इफेक्ट है सी डब्ल्यू एच का, केवल माइनस आई, केवल माइनस आई, मेटा पोजीशन पे माइनस आई और प्लस आई वर्क करता है, और सी डब्ल्यू एच का यहाँ कौन सा इफेक्ट है, माइनस आर, माइनस आर क्यों है, आप स्ट्रक्चर बना के देखिए, जैसे मैं बनाता हूँ आप खुद ही समझोगे। ठीक है, निगेटिव चार्ज की वैल्यू कहाँ रही, इस ये वाला ग्रुप अपने अंदर भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, इसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस आर। तो बताइए एसिडिटी का ऑर्डर बताइए, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, ऑर्थो वाला सेकेंड नंबर का, फिर माइनस आर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एसिड निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा माइनस आर इंक्रीज करेगा माइनस आई, सीधी बात है निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी माइनस आर ज्यादा इंक्रीज करेगा, क्योंकि आर की ज्यादा वैल्यू होती है, तो माइनस चार्ज स्टेबल, तो इसका मतलब कंजुकेट बेस स्टेबल, तो इसका मतलब हमारा कंपाउंड मोर एसिडिक, माइनस आई नो इफेक्ट, माइनस आई निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, तो इसे क्या लिख दूं तीसरे को, और इसे लिख दूं फर्स्ट, ये हमारा एसिडिटी का ऑर्डर थैलिक एसिड का हो जाएगा। बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ऑर्थो इफेक्ट समझ में आया, तो देखते हैं एनिलीन के केस में क्या होगा, एनिलीन, तो एनिलीन के केस में देखिए क्या होगा, आपका एनिलीन की स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख दी कुछ इस तरह से, ये है हमारा NH2। ठीक है, और यहां हमारा लगा हुआ कोई भी ग्रुप,
ठीक है। तो इसमें बेसिसिटी की बात करते हैं, तो बेसिसिटी क्या होगी कि देखो इस केस में अगर मैं बात करूं, अगर इसमें बात करूं किसकी, बेसिसिटी की, तो बेसिसिटी आप कैसे देखोगे कि ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर क्या कर देगा, कितनी जल्दी डोनेट कर देगा, कितनी जल्दी यहाँ H प्लस आके हमारा लग जाएगा, या कहीं भी ये कितनी जल्दी इलेक्ट्रोफाइल को अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा, यही तो बात है। पर अगर किसी वजह से, अगर किसी वजह से यहाँ कोई ग्रुप लग गया जी, तो क्या किसी को इसके पास आने देगा? अब यहाँ ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्ट्रिक रिपल्सन, स्ट्रिक क्राउडिंग की वजह से क्या हुआ, रिपल्सन। तो किसी भी चीज को क्या है आने देगा, सपोज करो H प्लस को यहाँ जल्दी आने देगा, नहीं। क्यों नहीं आने देगा, क्योंकि क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। अगर यहाँ सपोज करो हमारा जो है ये हाइड्रोजन आकर लग जाएगा, अगर यहाँ हमारा हाइड्रोजन आकर लग गया, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये तीन हाइड्रोजन ये ग्रुप, रिपल्सन होगा इसके बीच में, जिस वजह से ये जी चाहेगा कि कोई यहाँ के जल्दी से लगे ही ना, कोई नहीं लगेगा तो क्या होगा, बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी क्या होगी, अगर ये आके नहीं लगन देने का किसी भी चीज को, बेसिसिटी डिक्रीज होगी, या दूसरे शब्दों में कहूं बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, तो एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये सेम चीज, सेम बात मैंने आपके सामने लिखी थी, जैसे अगर कहीं आपको क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम्पल से समझिए, क्वेश्चन आएगी आपको इस तरह से, एनएच टू ये हमारा दे रखा है एनिलीन, और जो है यहां हमारा लगा हुआ है NH2CH3, और इधर लगा हुआ है हमारा NH2, और ये लगा हुआ है सपोज करो CH3। इन तीनों की हम बात कर लेते हैं पहले, इन तीनों में बताइए क्या होगा, क्या इन तीनों में जो है आप इसमें देख रहे हो, इसमें इसमें और इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, किसी को डोनेट करने के लिए फ्री है, इसमें कौन सा इफेक्ट, ऑर्थो, इसमें कौन सा इफेक्ट, ऑर्थो, इसमें कौन सा इफेक्ट, CH3 का प्लस आई, और प्लस आई क्या काम करता है, बेसिसिटी इंक्रीज करता है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हुआ, तीसरा, इसमें तो एसिडिटी इंक्रीज हुई, तो इसे तो सबसे लास्ट में लिख दो, इसमें ये कहां जाएगा, बीच में पहला, और बाकी एग्जांपल में बहुत सारे अभी कराऊंगा, सब लिखूंगा, ऑर्थो मेटा पैरा सब कुछ लिख के कराऊंगा, थोड़ा रुकिए। इतनी बात समझ में आई, बताइए इतनी बात समझ में आई अभी तक, आपने ऑर्थो इफेक्ट समझ लिया पूरा क्या होता है, बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब हम जो है अपने एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। हाँ तो देखिए, मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, हम एक एक करके जो है इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बताना है। देखो इस कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं, जहां C डबल बॉन्ड O हो, और रिएक्टिविटी उसकी कैसे देखते हैं कि ये सेंटर C डबल बॉन्ड O का सेंटर जो है कितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, कितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन की कितनी कमी है, न्यूक्लियोफाइल आकर वहां कितनी जल्दी रिएक्शन कर देगा, जितनी कमी होगी इलेक्ट्रॉन की उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब इसमें देखिए O तो सब में सेम है, O तो सब में सेम है, इस Cl का कौन सा इफेक्ट लग रहा है इसमें, माइनस आई। ये देखिए ये क्या है, ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आर लग रहा है, पर हाफ है, तो हाफ प्लस आर लिख दिया मैंने, क्योंकि प्लस आर हाफ मतलब एक बार इधर जा रहा है एक बार इधर, तो हाफ प्लस आर लिखा है। यहाँ देखिए कौन सा इफेक्ट लग रहा है इसका, ऑक्सीजन का इसका, देखो सी डबल बॉन्ड हो तो सेम है, इसे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ लग रहा है प्लस आर, और यहाँ क्या लग रहा है, प्लस आर लग रहा है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन कौन अपने लोन पेयर इजीली दे रहा होगा रेजोनेंस में, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी, ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, क्यों देगा जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन की कम है इजीली दे देगा, प्लस आर बहुत बढ़िया वाला, प्लस आर अच्छा वाला, गुड गुड प्लस आर लग रहा है इसमें, बहुत बढ़िया वाला। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, तब इसमें माइनस आई लगा, तो ये कार्बन जो है यहाँ इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी घटेगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि एक तो पहले से ही इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ऑक्सीजन ने जो है इसकी ऐसी की तैसी कर रखी थी, पर यहाँ क्लोरीन लगने की वजह से क्या हो गया, जो इनके बीच के इलेक्ट्रॉन थे भाई इधर शिफ्ट हो गए, इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हुआ, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी तो बहुत ज्यादा हुई, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव चौथा वाला। इसमें देखिए प्लस आर क्या काम कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या हो रहा है इसमें,
इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रही है, ये वाला सेंटर हमारा कम इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है। इसमें भी प्लस आर लग रहा है तो मतलब रिएक्टिविटी कम हो रही है, क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन की जो ये प्यासा था इलेक्ट्रॉन का, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो रेजोनेंस के कारण, प्लस आर के कारण, लोन पेयर आने के कारण कम हो रही है। और इसमें भी कम हो रही है, इसमें तो सबसे ज्यादा कम हो रही है, इसने तो हद कर दी, नाइट्रोजन ने इतनी ज्यादा अपने लोन पेयर दे दिए तो बहुत कम रिएक्टिव हो जाएगा। अच्छा मैंने फोर क्यों लिखा है मेरी समझ में नहीं है, ये फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव और सबसे कम कौन सा रिएक्टिव, फोर। अब इन दोनों में बताओ आप, इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? इसमें देखिए पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, प्यास पूरी मिट गई, पूरा गिलास, एक गिलास पानी दे दिया, इसमें देखिए आधा गिलास पानी दिया है, इलेक्ट्रॉन तो दिए पर पूरी तरह से नहीं दिए, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? जहां कार्बन की प्यास अच्छे से नहीं बुझी है, न्यूक्लियोफाइल आके तभी तो रिएक्शन करेगा, तो सबसे ज्यादा इसमें रिएक्टिव कौन हो गया? ये दूसरा वाला, फिर तीसरा और सबसे लास्ट में फोर्थ नंबर का। तो ये जो है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है कुछ इस प्रकार से, बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, रिएक्टिविटी मतलब इस कार्बन कितना ज्यादा प्यासा है। इसमें देखिए इधर से भी ले रहा है, इधर से भी ले रहा है, इससे ऑक्सीजन तो ले रहे हैं अपने दोनों, वो तो सब में सेम है तो मैंने कंसीडर ना करें। दो माइनस आई, इसमें कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है ये देखिए, कितनी जल्दी जल्दी दोनों कह रहे हैं भैया ले तू मुझसे ले ले, तू मुझसे ले ले इलेक्ट्रॉन, क्यों तू प्यासा बैठा है? तो इसकी मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी जो है दोनों ये पूरी कर रहे हैं, तो टू प्लस आर। इसमें एक जो है वो माइनस आई है और एक जो है वो प्लस आर है, प्लस आर किसका? इसका। बता दो रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ में आ गया होगा, फर्स्ट थर्ड सेकंड, ये इसका जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारा हो जाएगा। इन दोनों में खुद से बताना कि ये क्या है हमारा एसी, ये क्या है हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ये क्या है हमारा कीटोन, ये क्या है हमारा कीटोन, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? खुद से लिख दो यहां, मैं नहीं लिखूंगा। अब ये देखो हमारा, देखो एसिल हैलाइड, हमारा एसिल हैलाइड में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? देखो फ्लोरीन खींचने वाला, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो जनरली इनकी आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की आपको माइनस आई इफेक्ट देखना है, प्लस आर एक जगह देखेंगे, कहां देखेंगे वो अभी आपसे मैं बात करूंगा, ठीक है? तो इसमें देखिए इसमें क्या है, माइनस आई, सब में माइनस आई लगा हुआ है, और स्ट्रॉन्ग माइनस आई किस में लगेगा? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, फ्लोरीन ज्यादा इसे इसके इलेक्ट्रॉन खींच सकता है कार्बन के, फ्लोरीन ज्यादा कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ऐसे का ऐसा ही जो है आपको नोट करना है। बताओ इतनी बात समझ में आई जो मैंने बताया, बात समझ में आ रही है सारी की सारी, बात समझ में आ रही है या नहीं? अब नेक्स्ट देखिए, एसिडिटी इन हाइड्राइड, हाइड्राइड की एसिडिटी की बात कर रहे हैं, कैसे? देखिए कि जैसे आपका HF लगा हुआ है, कहीं आपका H2O लिखा हुआ है, तो मैं कहूँ ज्यादा एसिडिक कौन होगा, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो हम इसकी बात यहाँ कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका जो है 14 ग्रुप है, 14 ग्रुप में कौन आते हैं? कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या, सब बिंदास। 16 में क्या आते हैं? ओम शांति श्री टेलीफोन। इसमें क्या आते हैं 17 में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ इस तरह से रहता है, ये हमारे ग्रुप है, ठीक? कितनी बात समझ भाई। अब इसमें देखिए इसका कोई हाइड्राइड लगा हुआ है, हाइड्राइड मतलब हाइड्राइड है, इसके मतलब H से रिएक्शन है, ये CH4 है, ये NH3 है, ये H2O है, ये HF है। तो मैं इनमें जानना चाह रहा हूँ राइट टू लेफ्ट जाने पे, राइट टू लेफ्ट जाने पे एसिडिटी क्या होगी, राइट टू लेफ्ट जाने पे एसिडिटी क्या होगी? तो देखिए अगर यहाँ से जो है ये हाइड्रोजन निकल गया, कार्बन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया फ्लोरीन पे निगेटिव चार्ज, किसका निगेटिव चार्ज स्टेबल है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, जो एटम हमारा जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उस पर निगेटिव चार्ज उतना ही स्टेबल होगा, जो एटम हमारे जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उस पर जो है निगेटिव चार्ज उतना ही स्टेबल होगा। तो देखिए नेगेटिव चार्ज सबसे स्टेबल किस पे होगा? इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, मतलब कंजुगेट बेस किसका स्टेबल है? इसका, फिर इसका, फिर इसका, इसका, तो मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे
ऐसा लिखा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिटी, एसिडिटी क्या हो रही है हमारी लेफ्ट टू राइट जाने पे, एसिडिटी इंक्रीज। बात समझ में आई? अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। अभी हमने क्या काम करा, ये था हमारा HF, HCl, HBr, HI, हम क्या कर रहे हैं ऊपर से नीचे जा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे हमें पता चल गया ऊपर से नीचे जाने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एसिडिटी में। तो ध्यान से देखना, यहाँ जो बॉन्डिंग हो रही है किस किस की हो रही है, 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का जो है, सॉरी 1s, हाइड्रोजन का 1s जो है बॉन्डिंग करता है, फ्लोरीन का 2p करेगा, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की, ओवरलैपिंग 1s, और यहाँ क्या हो रही है हमारी 3p, यहाँ क्या हो रही है हमारी 1s 4p, यहाँ हो रही है 1s 5p। किसकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो आपको पता होना चाहिए बॉन्डिंग के माध्यम से, कि जो है जितनी हमारी n की वैल्यू घटती चली जाएगी उतनी ओवरलैपिंग हमारी अच्छी होगी। जितनी ज्यादा आपकी n की वैल्यू घटती चली जाएगी आपकी ओवरलैपिंग उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। तो ओवरलैपिंग अच्छी किसकी, इन दोनों की, इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और इसकी ओवरलैपिंग क्या बहुत वीक है, ओवरलैपिंग वीक है, और क्या होगा यहाँ से जल्दी H प्लस निकल जाएगा और I माइनस चार्ज जो है आयोडीन पे स्टेबल भी होगा, क्योंकि आयोडीन का इतना बड़ा साइज है, अगर उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो रह लेगा इजीली। अगर फ्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा, एक तो छोटा साइज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से बहुत ज्यादा है, 6-6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लियो फिर रहा है, निगेटिव चार्ज और आ जाए, कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, चाहेगा कहीं भी एकदम भाग जाए यहाँ से, कहीं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से चली जाए, जल्दी से रिएक्शन हो जाए। तो इसका मतलब सबसे जल्दी कौन सा बॉन्ड टूटेगा, HI का। तो ऊपर से जाने पर एसिडिटी क्या हुई, ऊपर से नीचे जाने पे भी एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिटी इंक्रीज, ऊपर से नीचे जाने पे एसिडिटी, टॉप टू बॉटम एसिडिटी इंक्रीज। क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन 1, CH3OH, CH2NH2, CH3SH, एसिडिटी बतानी है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो देखिए ये तो हमारे किसके हैं, ये इसमें क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, पर इसमें ये किसके हैं, 2p ओवरलैपिंग, इसमें कितनी है, थर्ड, ये थर्ड पीरियड का है हमारा सल्फर, तो क्या होगा, थर्ड पीरियड का है तो इसकी जो है बॉन्डिंग वीक होगी, ये जल्दी टूट जाएगा, यहाँ एस पे जो है वो निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा जो है कौन एसिडिक, दूसरा, एसिडिटी देख रहे हैं इन दोनों में, बताओ निगेटिव चार्ज ओ पे स्टेबल, नाइट्रोजन पे ओ पे है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, सॉरी ये तीसरा है, थर्ड 1 2, ये इसका जो है किसका ऑर्डर हो जाएगा आपका, एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा। इसमें बता दीजिए इसमें क्या होगा एसिडिटी का ऑर्डर, 2 1 और जो है 3, क्योंकि सल्फर का बॉन्ड और हाइड्रोजन का बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, तो हमारा क्या होगा, सल्फर और हाइड्रोजन का बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, तो क्या होगा कि ये जो है H प्लस यहाँ से जल्दी निकल जाएगा, फिर यहाँ हमारा ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के मुकाबले क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो 2 1 3 एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा। अब आप बहुत समझदार हो, यहाँ बता दीजिए मुझे क्या होगा, एच ए ज्यादा एसिडिक होगा, एच बी या एच सी, अब आप ये खुद से लिख सकते हो, अब आप ये खुद से लिख सकते हो, मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, बताओ ये क्वेश्चन आपके समझ में आए, ये क्वेश्चन आपके समझ में आए। तो नेक्स्ट क्लास अब जो हमारी होगी जीओसी की, उससे हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, सिर्फ उसमें हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। उसमें हम कुछ मतलब एक दो चीज और बची है जीओसी में आपकी बताने से, पर क्वेश्चन अभी हमें करने हैं, तो इतने ज्यादा क्वेश्चन करने वाले जिससे आपकी हर चीज क्लियर हो जाए, ठीक भाई। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।